हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फॉर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 30 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की जो वर्कशीट है बच्चों, वो काफी इजी वर्कशीट है आपके लिए, क्योंकि लास्ट वर्कशीट में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रीवियस जो वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा था कि फूड चेन क्या होती है। ठीक है, फूड चेन यानी हु ईट्स हुम, कौन किसको खाता है। सो इस वर्कशीट में भी बेटा हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो नाउ वी नो दैट इन अ सिंगल फूड चेन वन एनिमल बिकम्स द फूड ऑफ अनदर एनिमल। हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो सिंगल फूड चेन होती है उसमें एक एनिमल दूसरे एनिमल का किस तरह से क्या बन जाता है, उसका फूड बन जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे ग्रास होपर है, तो ग्रास होपर क्या होगा, ग्रास होपर जो है वो किसका फूड बन सकता है, ग्रास होपर वो बर्ड का फूड बन सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक फूड चेन है, ग्रास होपर ग्रास खा लेगा। क्लियर, तो इस तरह से ग्रास ग्रास होपर का फूड बनी, तो ग्रास होपर बर्ड का फूड बना, तो ये क्या है, ये फूड चेन है। क्लियर है। अब पॉइंट इज दैट कि अगर देखिए केवल ग्रास के ऊपर फूड जो है, ग्रास ऊपर तो डिपेंड नहीं है, ग्रास को काओ भी खाती है, ग्रास को जो है यहाँ पर रैबिट भी खा सकता है, तो इस तरह से बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं। सो इफ वन एनिमल वुड बिकम द फूड ऑफ मेनी अदर एनिमल्स एट द सेम टाइम देन इट फॉर्म अ ग्रुप ऑफ फूड चेन। यानी एक एनिमल जो है वो अगर कई सारे एनिमल्स का फूड बनता है सेम टाइम पे, तो क्या होगा, बहुत सारी फूड चेन फॉर्म हो जाएंगी और वो फूड चेन आपस में एक ग्रुप फॉर्म करेंगी, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। और इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इसको हम फूड वेब कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फूड वेब। अब हम इस फूड वेब को समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये है ग्रास। क्या है, ये ग्रास। अब ग्रास जो है इसको किस किस ने खाया, ग्रास को रैबिट खा सकता है, ग्रास को ये है ग्रास होपर खा सकता है। क्लियर है। आप देखिए ग्रास जो है उसको रैबिट ने खाया, अब रैबिट को कौन खा सकता है, रैबिट को फॉक्स खा सकती है। इसी तरह ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, तो ग्रास होपर को बर्ड खा सकता है। क्लियर, ग्रास होपर को आउल भी खा सकता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये है ग्रेन। क्या है बच्चों, ये ग्रेन है। अब ग्रेन को किसने खाया, ग्रेन को बर्ड ने खाया, और इस तरह बर्ड को कौन खा सकता है, बर्ड को खाया फॉक्स ने। क्लियर, और ग्रेन को देखिए, ग्रेन को माउस खा सकता है, ग्रेन को ग्रास होपर, यानी ग्रेन को खाने वाले तीन एनिमल यहाँ पे हो गए, बर्ड हो गया, ग्रास होपर और माउस। माउस को आउल भी खा सकता है। क्लियर, बर्ड को फॉक्स ने खाया, ग्रास होपर को किसने खाया, आउल ने खाया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सारी जो फूड चेन है ये क्या हो गई, आपस में एक दूसरे से मिल गई, और इस तरह से क्या बन गया, एक फूड वेब बन गया। यानी जो भोजन है उसका एक तरह से ऐसे जाल बन गया, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फूड वेब कहते हैं। क्या क्या कहेंगे बच्चों, फूड वेब। ठीक है, अब इसी डायग्राम के बेस्ड हम यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। सो देखिए पहले क्या दिया गया है, सो इन द गिवन फिगर पिक्चर सी हाउ मेनी फूड चेन्स आर फॉर्म्ड। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कितनी फूड चेन यहाँ पे बनी है। फर्स्ट देखिए, ग्रास है और कैरेट है, ग्रास और कैरेट को किसने खाया, रैबिट ने खाया। क्लियर है, ग्रास और कैरेट को किसने खाया, रैबिट ने, और रैबिट को खाया फॉक्स ने। तो ये हो गई पहली फूड चेन। दूसरी फूड चेन ग्रास और ग्रेन है, उसको किसने खाया, ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को बर्ड ने खाया, और बर्ड को खाया फॉक्स ने। थर्ड दिया गया है, ग्रास और ग्रेन को किसने खाया, ग्रास होपर ने खाया, और उसको खाया आउल ने। उसके बाद नंबर फोर है ग्रेन, ग्रेन को बच्चों माउस ने खाया और खाया आउल ने। क्लियर है। इसी तरह देखिए, ग्रेन को बर्ड भी खा सकता है और फॉक्स भी, जो बर्ड है उसको फॉक्स खा लेगी। तो इस तरह से टोटल कितनी फूड चेन बनी आपके पास, टोटल जो है यहाँ पे 5 फूड चेन बनी। और ये सारी फूड चेन जो है इस तरह से ये क्या बन गई, इस तरह से जब हमने इसको बनाया तो ये क्या बन गया, एक पूरा फूड वेब, जब हमने सबको इंटरलिंक कर दिया। तो बच्चों फूड वेब क्या कहलाता है, जब फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, वो फूड वेब बन जाता है। अब यहाँ पे आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखना है, और यहाँ पे देखिए, लुक एट द अबोव गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है कि ये
जो फिलप्स हैं ये कंप्लीट करने हैं कि कैरेट इज ईटन बाय, जो कैरेट है बच्चों उसको किसने खाया। ठीक है, तो हमारे पास ये फूड चेन दी गई है, तो इसमें आप देख लीजिए कैरेट को किसने खाया, कैरेट को रैबिट ने खाया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे रैबिट। ठीक है, ग्रास इज ईटन बाय, तो देखिए ग्रास को किस किसने खाया, एक तो खाया रैबिट ने, क्लियर है, यहाँ पे लिख दीजिए रैबिट। और किसने खाया ग्रास को, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, यहाँ भी ग्रास हॉपर ने खाया, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रास हॉपर। ठीक है, यहाँ से हम जो है इसको कर लेंगे ग्रास हॉपर। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है नंबर थ्री, ग्रेन इज ईटन बाय, तो देखो ग्रेन किसने खाया, ग्रेन को ग्रास हॉपर खा सकता है, ग्रेन को ग्रास हॉपर, ग्रेन और किसने खाया, माउस ने, और ग्रेन को खाया बर्ड ने, क्लियर है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रेन इज ईटन बाय, एक तो लिखेंगे ग्रास हॉपर, और किसने खाया ग्रेन को, माउस, और तीसरा किसने खाया है, बर्ड, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बर्ड, क्लियर है, तो इस ये खाया किसने, ग्रेन को। उसके बाद है रैबिट इज ईटन बाय, रैबिट जो है, रैबिट इज ईटन बाय, तो आप देख सकते हो बच्चों रैबिट जो है ईटन बाय फॉक्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फॉक्स। ग्रास हॉपर इज ईटन बाय, तो ग्रास हॉपर को कौन कौन खा सकता है, यहाँ से देख सकते हो बर्ड एंड ए आउल, तो ग्रास हॉपर किसने खाया, बर्ड आउल। ओके, माउस इज ईटन बाय, माउस को किसने खाया, माउस को आउल ने खाया, तो यहाँ पे आप आउल लिख देंगे। तो इस तरह से आपको इसको अपनी कॉपी में करना है। सो हेयर वी फाउंड अ ग्रुप ऑफ फाइव फूड चेन ज्वाइन टू ईच अदर एज अ वेब, तो बच्चों यहाँ पे हमने अभी देखा कि जो फाइव फूड चेन है, 1 2 3 4 5, फाइव की फाइव फूड चेन एक दूसरे से मिलके और क्या बनाया, एक वेब बनाया, एंड दिस ग्रुप ऑफ फूड चेन आर नोन एज फूड वेब, इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फूड वेब। ठीक है, लास्ट देखते हैं, फाइंड आउट हु कैन ईट हुम एंड हाउ अ फूड वेब इज फॉर्म्ड हेयर, तो बेटा यहाँ पे आपको देखिए मंगूस दिया गया है, डियर, ठीक है, ईगल, उसके बाद क्या दिया गया है, स्नेक है, और फ्रॉग, टाइगर, वुल्फ, रैबिट, कैरेट, इनसे आपको एक फूड वेब बनाना है। तो आइए बेटा बनाते हैं इसका फूड वेब। सो बच्चों यहाँ से आप इसका फूड वेब जो है वो बना लेंगे, तो ये क्या है, ये है फूड वेब। ठीक है, ये बन गया फूड वेब, तो इसमें आप देख सकते हो इसमें सबसे पहले क्या है, कैरेट, कैरेट को किसने खाया है, कैरेट को यहाँ पे, कैरेट को किसने खाया, कैरेट को खाया एक तो फ्रॉग ने, रैबिट ने और डियर ने, यानी एक साथ जो है तीन का फूड ये बना, फ्रॉग, रैबिट एंड डियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं रैबिट को कौन खा सकता है, रैबिट को खाया किसने बच्चों, वुल्फ ने, ठीक है, रैबिट को खाया वुल्फ ने, और फ्रॉग को किसने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने, क्लियर, और वुल्फ को कौन खा सकता है, वुल्फ को खा सकता है टाइगर, और इसी तरह डियर को खा सकता है टाइगर, और स्नेक को किसने खाया, स्नेक को खाया मंगूज ने, क्लियर, और इसको किसने खाया, इसको खाया ईगल ने, और मंगूस को कौन खा सकता है, टाइगर जो है वो मंगूस को खा सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन जो है उन्होंने मिलके आपस में क्या बना दिया, ये एक फूड वेब जो है वो बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अपनी कॉपी में बना लेना है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, एंड आई होप बच्चों आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, आपको क्लियर है कि किस तरह से फूड चेन जो है, फूड चेन जब आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो फूड वेब बना लेती हैं, क्या बना लेती हैं, फूड वेब। सो अगर आपको वीडियो समझ आई है, आपको वर्कशीट क्लियर है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।